बुरहानपुर जिले में रेत ठेकेदारों द्वारा खनिज विभाग से साठगांठ कर प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। ठेकेदार मनमानी करते हुए ट्रैक्टर मालिकों और प्रशासन के साथ खेल खेल रहा है। ट्रैक्टर मालिकों को रॉयल्टी के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। दरअसल रॉयल्टी काटी जा रही है नेपानगर के रत्नापुर घाट की, जबकि खनन किया जा रहा है नसीराबाद के बेली घाट से, और यह घाट खनिज विभाग द्वारा ठेकेदार को ये घाट आवंटित ही नहीं किया गया है, क्योंकि खनिज विभाग के रिकॉर्ड में ये घाट ही नहीं है। किंतु इसके बावजूद ठेकेदार मनमानी करते हुए प्रशासन की आंख में धूल झोंकते हुए अवैध खनन कर रहा है। ये घाट से जो खनन किया जा रहा है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होने के कारण यहां से मात्र एक ही रॉयल्टी काटी जाती है, जिसके बाद सिर्फ एंट्री ली जाती है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, क्योंकि जहां की रॉयल्टी काटी जाती है वह नेपानगर का रत्नापुर गांव है, जिसकी बुरहानपुर से दूरी तय करने में करीब 1.30 घंटा लगता है। इसी का फायदा ठेकेदार ले रहे हैं और ट्रैक्टर मालिकों और खनिज विभाग को भी चुना लगा रहे हैं, जबकि यदि यह रॉयल्टी काटी जाए तो प्रतिदिन इस घाट से करीब 200 रॉयल्टी कट सकती है, किंतु ऐसा नहीं हो रहा है। और वैसे भी यह घाट आवंटित ही नहीं है तो ये घाट अवैध ही है। ये सारा पैसा शासन के खजाने में जाने के बजाय ठेकेदार की जेब में जा रहा है। करोड़ों रुपए प्रतिमान ठेकेदार शासन को चुना लगा रहा है, किंतु जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। वही बात करें ट्रैक्टर मालिकों की तो इन्हें भी ठेकेदार चुना लगा रहा है, जब रॉयल्टी ही नहीं दी जा रही है और यह घाट अवैध है तो इसका पैसा कैसे दिया जाएगा। ठेकेदार मनमानी पर दादागिरी कर ट्रैक्टर मालिकों से वसूली कर रहा है। ये ट्रैक्टर मालिक रॉयल्टी देने के बाद भी अवैध की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनके पास कोई इसका पुख्ता सबूत नहीं है कि इन्होंने ट्रैक्टर ठेकेदार से जमा कर लिया है। इसलिए ट्रैक्टर मालिकों ने जो भी रॉयल्टी या फिर एंट्री दे रहे हैं वो ऑनलाइन की पेमेंट करना चाहिए ठेकेदार को, ताकि इसका रिकॉर्ड ट्रैक्टर मालिक के पास भी रहे और इसका राजस्व शासन तक सही तरीके से पहुंच सके, ताकि ऑनलाइन पेमेंट होने से इन्हें इनकम टैक्स में दिखा होगा कि यह पैसा कहां से आया। ऐसे में यह शासन के राजस्व की चोरी नहीं कर पाएंगे। और जब कभी ट्रैक्टर मालिक पर अवैध रेत परिवहन की कार्यवाही होती है तो यह सबूत के तौर पर दिखाने के लिए सही होगा कि यह ट्रैक्टर की रॉयल्टी या एंट्री ठेकेदार को दी जा चुकी है। इससे सारी जवाबदारी ठेकेदार पर आ जाएगी और ट्रैक्टर मालिक भी इन सारे झंझटों से मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद उन्हें अपने लिए लड़ने के लिए किसी नेता की आवश्यकता नहीं होगी और वह स्वयं अपनी लड़ाई लड़ सकेंगे। वही बात करें ठेकेदार की तो अब ठेकेदार ने तो हद कर दी। नदी के बीच में जेसीबी लगाकर रेत का अवैध खनन कर रहा है, जबकि नदी के बीच में किसी प्रकार का यंत्र लगाकर खनन नहीं कर सकते। किंतु इसके बावजूद भी ठेकेदार मनमानी करते हुए शासन प्रशासन को मुंह चिढ़ा रहा है और बेरोकटोक तरीके से नदी के बीच में जेसीबी से खनन किया जा रहा है। आखिरकार कब जागेगा प्रशासन और खनिज विभाग, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।